कि संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की आपके सामने में, हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द इंटायर स्टेट टू रैंसम, यह आपने सुना है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और यह भी टिप्पणी है कि उसके यहां पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद समस्या शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। वॉट इज इमर्जिंग देयर आफ्टर अबाउट द पेटेंट असॉल्ट, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमन इज अ शेम ऑन आवर सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये शर्म है। ममता जी अभी भी उसको डिफेंड कर रही हैं, क्यों? अब मैं जरा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुवेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कन्फर्म किया। मैं विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा, दिल्ली के, किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं, जिस तरह उन्होंने कवर किया और अपने प्रतिनिधियों को भेज करके कवर कराया है, वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये क्यों है? क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है, क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? और आपको याद होगा कि ममता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था, वो बहुत अनिश्चितकाल तक अनशन में बैठी थी, तो हम सभी उनके मुरीद बने, उनकी बहुत तारीफ किया, जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष से आगे निकली है। और क्या हो गया है? क्या आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है? कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? यह हम जरूर कहना चाहेंगे। हम वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमीटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छीन ली जाए, वो खेती में धान उगाते हैं, बाकी फसलें उगाते हैं, सब में पानी छोड़कर के कहा यही मछली पालो, पूरी जमीन के हेल्थ को खराब कर दिया गया? तो जमीन के कब्जा करना, उनको बेदखल करना, महिलाओं की आबरू लूटना। और मुझे सबसे तो तारीफ ने आश्चर्य हुआ है कि जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है? आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मतलब वो सवाल कर रही है कि उनको और बेइज्जत कर रही है ताकि उनका मनोबल टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है, और ममता जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और ममता जी आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी। ममता जी विल हैव टू पे फॉर इट। और हम अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, जैसे वो संघर्ष कर रहे हैं वहां जाकर के, पूरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसी संबंध में हमको एक बात और कहनी है, बाकी पार्टियां खामोश क्यों हैं? कल मैंने सुना है कि सीपीएम की एक नेत्री घूमने गई है, लेकिन सीपीएम ने अभी तक औपचारिक विरोध नहीं किया है, पब्लिक कमेंट नहीं किया है,
राहुल गांधी जो हर विषय पर बोलते हैं खामोश हैं। चंडीगढ़ की घटना हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, दैट इज क्लोज चैप्टर, लेकिन उस पर सब कोरस में भाषण दे रहे हैं। आप देख लीजिए आज अखबारों में चंडीगढ़ के डेवलपमेंट पर सबों की टिप्पणी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में सोनाखाली में माताएं, बेटियां, बहनें उनकी आबरू लूट रही, इस पर सभी खामोश हैं। तो ये क्या मतलब है इसका?